काली के अपमान पर मोदी का प्रचंड रूप। माँ काली पर अब शब्द बोला तो नहीं करेंगे माफ। केजरीवाल से लेकर ममता की पार्टी, फिल्म से लेकर पोस्टर तक देवी देवताओं का अपमान। मोदी की छाती पर रखकर पैर, देश चलाने की तमन्ना एक महिला सांसद ने क्यों देखी है। देश भर में देवी देवताओं के अपमान का एक ट्रेंड चल रहा है, जो जितना अपमान करेगा लिबरल गैंग उतनी शाबाशी देगा, कहेगा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तब ट्विटर पर नहीं व्हाट्सएप पर शाबाशी मिलेगी। लेकिन जब कोई भगवान की तारीफ करता है तो ऐसे लोगों की जान पर बन आती है। ये सब कुछ ऐसे राज में हो रहा है जहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, और जिस बंगाल में माँ काली की पूजा होती है उसी बंगाल में काली का इतना अपमान हुआ कि पीएम मोदी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। रोकते भी कैसे, क्योंकि जिस देश में करोड़ों लोगों की आस्था माँ काली से जुड़ी हो, उस देश में माँ काली का अपमान क्यों। पीएम से लेकर डीएम तक माँ काली का अपमान नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते वो कौन है जो माँ काली का अपमान करते हैं। बंगाल में टीएमसी पार्टी की सांसद ने जब माँ काली का अपमान किया तो पीएम मोदी ने उनकी हैकड़ी निकाल दी। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने देश में चल रहे हालात पर क्या बोला, आप भी कहेंगे जो बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कैसे बंगाल की सियासत में मोदी को झुकाने के लिए देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। माँ काली पर मोदी का बयान आते ही टीएमसी सांसद ने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया। मगर उससे पहले पीएम मोदी ने क्या कहा वो सुनिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने माँ काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने माँ काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है, यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है, यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को माँ काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य, मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था, और उनकी बातों में भी माँ काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है जब भी बेलूमर जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर माँ काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने महाकाली का स्पष्ट साक्षात्कार किया, जिन्होंने महाकाली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ माँ की चेतना से व्याप्त है, ये चेतना बंगाल की काली की पूजा में दिखती है। माँ काली का अस्मित असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत की इसी आध्यात्मिकता ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। इस बयान में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मां पर कोई भी भक्त अपने मन की बात बोल सकता है। हालांकि जैसे ही पीएम मोदी ने मां काली पर कुछ कहा, वैसे ही उन्हें धमकी मिलने वाली भाषा सुनाई देने लगी। धमकी भी ऐसी जिसे सुनकर सब हैरान हो गए कि बंगाल में क्या हुआ था। दीदी और दीदी कहने पर
जूता मिला। अब माँ काली सीने पर चढ़कर सबक सिखाएगी। मोदी के बारे में ऐसा ट्वीट करने वाली बंगाल में टीएमसी की सांसद है। अब देखिए उनका बयान देखिए। बंगाल के लिए बीजेपी में ट्रॉल इंचार्ज को सलाह दूंगी कि वो अपने आकाओं से कहें कि वो उन चीजों पर टिप्पणी करना बंद करें जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दीदी और दीदी ने उन्हें बूट दिलवाया, अब माँ और माँ इनके सीने पर पैर रखेगी। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश में बड़े नेता देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, कुछ और था। 2019 याद कीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, हिंदू धर्मों के आस्थाओं पर चोट पहुंचाने वाली एक अपमानजनक फोटो शेयर की। इस फोटो में एक शख्स अपने हाथों में झाड़ू लेकर स्वास्तिक को पीटते हुए दूर भागने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा था। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का महत्व क्या होता है ये सब जानते हैं। वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञान व्यापी के विवादित ढांचे को सील करने के ऑर्डर के बाद पीस पार्टी के नेता शदाब चौहान ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया। चौहान ने सड़क किनारे लगे छोटे खंभों की एक फोटो शेयर की जिसमें शदाब ने लिखा कि अगर कोई शख्स शिवलिंग का दावा करता है तो जज साहब उस एरिया को सील कर देते हैं। वेब सीरीज तांडव में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस वेब सीरीज में किरदारों के नाम को एक धर्म विशेष से जोड़कर ऐसा नैरेटिव बनाया गया जो देश की गलत छवि दुनिया के सामने पेश करता है। आमिर खान की फिल्म पीके में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस फिल्म के एक सीन में भगवान शंकर का रूप धरे एक शख्स को डर के मारे भागते हुए दिखाया गया। यानी इस देश में कुछ भी हो जाए बस देवी देवताओं का अपमान करते रहना ताकि रिबलर गैंग अपमान करने वालों को देश का हीरो बना दे। क्या आप इसे जायज मानते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।